कार्बोहाइड्रेट्स दे आर केमिकल कंपोजिशन एंड आक्रंस फर्स्ट द कॉन्टेंट्स डिफाइनिंग कार्बोहाइड्रेट्स केमिकल कंपोजिशन अक्रंस एंड द क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स स्टूडेंट यहाँ हम कार्बोहाइड्रेट का जनरल ओवरव्यू ले रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो है वो इसकी कैम क्या किस तरह का ये बायोमालिक्यूल है और इसके अंदर कौन कौन से जो है वो मेजर अक्रेंस कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं और इसके मेजर फंक्शंस क्या है फर्स्ट विल डिफाइन द कार्बोहाइड्रेट्स पहली बात यह कार्बोहाइड्रेट्स दे आर द फर्स्ट जो बायो मालिक्यूल्स के फोर क्लासेस हैं उसमें जो फर्स्ट क्लास का जो है वो कंसिडर की जाती है दे आर दी कार्बोहाइड्रेट्स जबकि उसके बाद जो है वो प्रोटीन लिपिड्स और डी एन ए न्यूक्लिक एसिड्स आते हैं फर्स्ट विल डिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स आर दी पोलीहाइड्रोक्सी एल डी हाइड्स आर कीटोन्स आर दे में बी कम्पलेक्स मालिक्यूल्स विच जील्ड एल डी हाइड एंड ब्रेक डाउन ऑफ आफ्टर दर हाइड्रोलसो इफ वी लुक एट कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स इज द मोस्ट अबंड क्लास ऑफ बायो मालिक्यूल्स इफ वी लुक एट अर्थ द इन फोर मेजर ग्रुप्स ऑफ द बायो मालिक्यूल्स का प्रोटीन्स लिपिड एंड द न्यूक् एसिड कार्बोहाइड्रेट्स आर एट द टॉप ऑफ द अबंडेंट्स अबंडेंट्स के लिहाज अगर हम देखें तो सबसे टॉप पर सबसे ज़्यादा जो है वो नेचर के अंदर पाए जाते हैं उसकी वजह बेसिक य है कि जितने भी प्लांट्स हैं उनका जो मेजर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है वो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोस है तो प्लांट्स चूँकि उस नेचर में बहुत ज़्यादा हैं एनिमल्स की नस्बत या बाकी चीज़ों के तो की निसबत प्लांट्स ज्यादा हैं तो अल्टीमेटली फिर कार्बोहाइड्रेट की अमाउंट जो है वो बढ़ जाती इसके है इसके अलावा उनके अंदर स्टोरेज मटेरियल भी स्टार्च है जो कि कार्बोहाइड्रेट है इसके अलावा अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट देखते हैं तो मोस्ट ऑफ आवर डाइट जितनी भी डाइट हम यूज़ करते हैं उसके अंदर साम हाउ कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं कुछ डाइट ऐसे जिसमें मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं और कुछ वो हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट की एक कंसिडरेबल अमाउंट जो है वो जरूर मौजूद होती है केमिकल कम्पोजिशन अच्छा अगर हम बात करते हैं अबाउट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स केमिकली कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इसका कार्बोहाइड्रेट्स का लफ्ज जो है वो ये शो शोकारा कार्बो मीन कार्बन एंड हाइड्रेट मीन हाइड्रेट वाटर से निकला यानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो ये जो थ्री एलिमेंट्स जो है दे आर मेकिंग द कार्बोहाइड्रेट्स कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ डेरिवेटिव फॉर्म्स भी हैं उन डेरिवेटिव फॉर्म्स के अंदर कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ साथ सल्फर फास्फोरस और नाइट्रोजन भी पाई जाती है जनरल फार्मूला फॉर कार्बोहाइड्रेट इज सी एच टू ओ एन इसका जनरल फार्मूला है लेकिन ग्रुप वाइज आगे ये वेरी भी करता है कार्बोहाइड्रेट के अंदर अगर इसकी रेशो देखते हैं कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दरिया रेशो जो होती है वो हमेशा टू इंटू वन होती है यानी ऑक्सीजन की नस्बत हाइड्रोजन हमेशा डबल अमाउंट के अंदर ऑलमोस्ट मौजूद होती है आकरेंट्स कार्बोहाइड्रेट्स के सोर्सेज क्या हैं कहाँ कहाँ से ये हमें मिलते हैं या कहाँ कहाँ नेचर के अंदर जहाँ वो पाए जाते हैं हमारे फूड के अंदर स्पेशल या कहाँ मौजूद हैं ये बेकरी आइटम्स मोस्ट ऑफ द बेकरी आइटम्स दे आर मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स जैसे ब्रेड्स हैं केक्स हैं पेस्ट्रीज हैं बिस्किट्स हैं जितनी आइटम्स आप बेकरी की कंसिडर करते हैं वो सारी कार्बोहाइड्रेट बेस्ड हैं डेयरी प्रोडक्ट्स डेयरी प्रोडक्ट्स के अंदर बाकी बायो मालिक्यूल्स के साथ साथ कार्बोहाइड्रेट्स भी अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद हैं जैसे मिल्क है मिल्क में प्रोटीन और लिपिड की भी मौजूद है लेकिन उसके साथ साथ कारबोहाइड्रेट एक अच्छी खासी अमाउंट में मौजूद हैं योगर्ट है आइसक्रीम है और इसके अलावा बाकी जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनके अंदर ये चीज़ें कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वेजिटेबल्स देखें क्योंकि वेजिटेबल्स और फ्रूट्स प्लांट प्लांट ओरिजिन के हैं तो प्लांट के अंदर मोस्टली कार्बोहाइड्रेट्स हैं क्योंकि प्लांट का जो बॉडी है जो हम बेसिकली फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाते हैं ये क्या चीज़ है ये प्लांट सेल्स हैं तो प्लांट सेल अगर है तो इसका मतलब है कि वो उसके अंदर जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं उसके सेलुलोज बना हुआ है या स्टोर जो फूड है वो स्टार्च की फॉर्म में है ठीक तो है जितने फ्रूट्स इस हैं इससे सीरियल्स जो हम लेते हैं यानी कि हमारे खाने में क्या होता है मोस्ट ऑफ टाइम जिस राइस या फिर वीट का जो है वो हम यूज़ करते हैं या फिर इसके अलावा जो है वो कॉर्न यूज़ की जाती है वर्ल्ड वाइड ये फेमस जो है वो जो भी मील्स के पोर्शंस हैं वो जो है वो, वो कार्बोहाइड्रेट पर कंसिस्ट करते हैं कार्बोहाइड्रेट पर मुश्तमिल होते हैं कैंडीज़ कैंडीज सॉफ्ट ड्रिंक डेजर्ट्स ये जितनी भी चीज़ें हम यानी कि जो खाने में मीठा लेते हैं कैंडीज़ जितनी भी हैं डिफरेंट टाइप्स की चॉकलेट्स हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स जो हैं जिसमें सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारा दी है कि जो हम कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह लेते हैं पेप्सी कोक स्प्राइट ड्यू वगैरह ये सारी सारी जो है वो कार्बोहाइड्रेट रिच फूड जो है वो मटेरियल्स हैं इवन मीट मीट बेस प्रिंसिपली प्रोटीन है लेकिन प्रोटीन के साथ साथ उसमें कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट भी मौजूद है कार्बोहाइड्रेट्स को फर्दर थ्री मेन क्लासेस में डिवाइड किया गया है मोनोसेक्राइड्स ओलिगोसैक्राइड एंड द पोलीसैक्राइड अच्छा ओलिगोसैक्राइड्स को अगर हम देखें मोस्टली बुक्स के अंदर आपको ढाई सेक्राइड लिखा हुआ मिलता है जो क्लास नेम है एक्चुअली ओलिगोसाइक्राइड है लेकिन ओलिगोसैक्राइड्स के अंदर के अंदर एक ग्रुप है जो डाई सेक्राइड्स है और लेकिन डाई सेक्राइड जो समझे कि 99.9% नाइन पॉइंट नाइन जो ओलीगोसैक्राइड है वो डाई सेक्राइड से बिलोंग करते हैं इसलिए अक्सर बुक्स के अंदर मोनोसैक्राइड डाई सेक्राइड और पोलीसैक्राइड्स है तो हम किसी भी ला से इनकी तीन क्लासेज मैंशन कर सकते हैं यू कैन राइट मोनोसक्राइड ओलीगोसेक्राइड पोलीसैक्राइड यू कैन आल्सो राइट मोनोसाक्राइड डाई सेक्राइड एंड द पोलीसैक्राइड